भारत माता की जय। साथियों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भारत देश के अंदर जो जन कल्याण योजनाएं चलाई हैं, उनमें सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मेरे किसान मोर्चा के साथियों, हर साल एक एक किसान के खाते में 6,000 रुपया डायरेक्ट मोदी साहब दिल्ली से बटन दबाते हैं तो यहां किसानों के खाते में साल का 6,000 रुपया आता है। कितना बड़ा उपकार मोदी साहब का है। इसी तरह से मोदी सरकार की इन योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। मोदी साहब ने किसानों की भलाई के लिए जबरदस्त काम किया है, बेहतरीन काम किया है। मोदी साहब ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया और उसी का परिणाम है कि आज भारत देश के अंदर चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, रेड़ी वाला हो, फड़ी वाला हो, मजदूर हो, हर व्यक्ति के लिए लाभकारी योजनाएं मोदी साहब ने चलाई। मेरे किसान भाइयों, हमने वो जमाना भी देखा है जब गरीब किसान के पास पैसे नहीं होते थे कि वो बाजार से या दुकान से खाद लेके आए या बिजाई के लिए बीज लेके आए या ट्रैक्टर की जो जमीन से खेती बाड़ी के वो उसको पैसे दे। हमने वो दौर देखा है जब बारिश पड़ती थी और किसान बिजाई के लिए जाता था, जो गरीब किसान था उसको गांव के अंदर किसी अमीर आदमी के पास, किसी लाले के पास जाके उधारे पैसे लाने होते थे। वो उधार से पैसे लाता था, खाद लाता था, बीज लाता था, ट्रैक्टर से खेती बाड़ी करता था तो उसके भी पैसे लगते थे। और जब वो टाइम से पैसे देने के लिए बड़ी मेहनत करता था और फसल की बिजाई और अगर कोई प्राकृतिक आपदा, आसमान से अगर कहीं बारिश, बर्फबारी, ओले गिरते थे या कहीं आग लग जाती थी, वो किसान बर्बाद हो जाता था। लेकिन मेरे किसान भाइयों, मोदी साहब ने यहां किसानों के खाते में सीधा 6,000 रुपया साल का एक बटन दबाते ही उनके अकाउंट में जाता है। उसके साथ साथ फसल बीमा योजना, इसका भी लाभ आज हिंदुस्तान के किसान उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और की सरकार में ये स्कीमें होती तो ये 6,000 लेने के लिए 12,000 खर्च करना पड़ता, इतना करप्शन होता था। लेकिन आज एक बटन मोदी साहब दिल्ली से दबाते हैं और पैसा सीधा किसानों के खातों में आता है। यह मोदी सरकार है, यह सबका साथ और सबका विकास करने वाली मोदी साहब की सरकार है। यह वो सरकार है जिसने जनता का भला किया। मेरे भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मोदी साहब की जो जन कल्याणकारी योजनाएं भारत देश के अंदर चल रही है, उसका भी पूरा पूरा लाभ हमारे किसान भाई बहन उठा रहे हैं। किसान सम्मान निधि के साथ साथ आयुष्मान भारत के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो गोल्डन कार्ड्स बन रहे हैं, हेल्थ कार्ड, और एक कार्ड से एक साल में इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया
इसका लाभ भी किसान उठा रहे हैं। मोदी साहब ने जो पिछले 2.5-3 साल में कोरोना काल में फ्री राशन, मुफ्त राशन दिया, वो भी हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ हुआ है, परिवारों को। इसके साथ साथ जो ई श्रम कार्ड है, जन्म से लेके मृत्यु तक जिनके ई श्रम कार्ड बने हैं वो इसके लाभार्थी हैं। बहुत बड़ी योजना है और उसका लाभ भी हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, या मोदी साहब द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत गांव-गांव में टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाने का काम शुरू किया गया, उसका भी लाभ इस देश के करोड़ों किसानों को हुआ। मेरे किसान मोर्चा के भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मोदी साहब ने जिस प्रकार से खेती बाड़ी को लेकर नीतियां बनाई हैं, उसका लाभ हमारे किसान उठा रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पर सब्सिडी सामान पर किसानों के लिए मोदी साहब ने रखी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को, जो बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए गए, कितने ऐसे किसान परिवार हैं जिनको उनका लाभ मिला है। मोदी सरकार ये सबकी सरकार है, ये गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित समाज के हर वर्ग की चिंता की है तो मोदी साहब ने की है। और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जब मोदी जी ने नारा दे दिया तो ये सब जनता के लिए आ गया और ये जनता की भलाई के लिए काम शुरू। मेरे भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और मोदी जी ने तीनों को जोड़ के जिस प्रकार से कार्य किए हैं, वाकई एक अतुलनीय कार्य इस देश की सरकार ने किए। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे निवेदन है, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, जो जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी से प्रभारी हैं, आपको अपने अपने जिलों में कार्य क्षेत्र में जाकर किसानों के जो लाभार्थी हैं उनकी सूचियां बनाएं, पंचायतों में, मंडलों में और जिला स्तर पर किसान लाभार्थियों के आपको सम्मेलन शुरू करने चाहिए। और मुझे विश्वास है कि श्रीमान ओमी खजूरिया साहब, जो कि एक बड़े धाकड़ नेता हैं, और प्रभारी श्री नंद किशोर जी और इनके सारे साथी, आप सब मिलजुल कर जम्मू कश्मीर में जो मोदी साहब द्वारा शुरू की गई लाभकारी योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक फायदा हमारे किसान भाइयों को मिले, इसके लिए आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मोदी साहब ने तो योजनाएं चला दी, पैसा भी डायरेक्ट अकाउंट्स में आ रहा है, सब्सिडी मिल रही है। एक बार उन लाभार्थियों के साथ बैठ के चाय पे चर्चा करें, गांव गांव में चौपाल लगाएं और ये लाभकारी योजनाएं जिसका लाभ किसान भाइयों को हुआ है, इसकी चर्चा उनमें करें। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हो, पूरे जम्मू तथा कश्मीर घाटी में भी, वहां चाहे केसर की खेती करने वाले किसान हो, वहां के हॉर्टिकल्चर
एग्रीकल्चर से जुड़े वहां के किसान हो, सेब का जिनके बड़े बड़े बागान हैं, या अन्य जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं कश्मीर के, उनके साथ भी इस प्रकार के संवाद की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि ये किसान और अधिक जागरूक होके इकट्ठे होके मजबूत किसान और मजबूत भारतीय जनता पार्टी और मजबूत देश, ये जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का है, इसको भी हम जम्मू कश्मीर में पूरा करें। ऐसी मेरी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निवेदन है और मुझे विश्वास है कि आप इस अभियान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने में जी जान से पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।